इस वक्त हम नेशनल हाईवे संख्या 58 पर मौजूद है और यह मेड़ता क्षेत्र के पास दरियाव खेजड़ा सरहद है। आप इस गाड़ी को देख सकते हो, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच गाड़ियां एक साथ एक दूसरे में भिड़ी है, पीछे से टक्कर हुई है और इस टक्कर की वजह भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो ये गाड़ी जिस तरह से डैमेज हुई है, आप थोड़ा नजदीक आके बताए, पूरी डैमेज हुई है। इस गाड़ी का अगर ड्राइवर कूद कर नीचे की तरफ नहीं कूदता तो शायद आज बच नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह से ये स्टीयरिंग एकदम अंदर घुस चुकी है और इस गाड़ी का ड्राइवर भी इंजर्ड हुआ है। और आप पीछे देख सकते हो ये जो ट्रेलर है, हम आपको ये भी बता दे, ये ट्रेलर इस गाड़ी में घुस गया था। दरअसल ये हादसा किस तरह से हुआ था, हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी और कुछ जानकार लोग भी मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे आने के बाद पता चला है। दरअसल एक बस थी, निजी बस थी, प्राइवेट बस थी, वो ओवरटेक करके किसी सवारी को लेना था तो एकदम उसने ब्रेक लगा दिए और उसके पीछे कंटिन्यू चार व्हीकल्स आ रहे थे। एक बस के पीछे कार घुसी, कार के पीछे ट्रेलर घुसा और ट्रेलर के पीछे ये जो टाटा, ये जो मिनी ट्रक है वो घुसा और इस ट्रक के पीछे वो ट्रेलर घुसा। इस तरह से पांच व्हीकल्स एक दूसरे से आपस में अंदर घुस गए। हमारे पास रेस्क्यू मामलों के एक्सपर्ट शंकरलाल भादू मौजूद है। भादू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं ये किस तरह से दुर्घटना हुई है, इस तरह की दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, हमारे को सूचना मिली थी कि दरिया जी जो अपने ये सुबदन का फांटा, उस पर एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आगे एक बस इनको ओवरटेक करके आगे सवारी के चक्कर में उन्होंने एकदम बस को रोक दिया। हाँ, हाँ। बस को रोकते ही तुरंत वो छोटी गाड़ी उसके अंदर बस में घुस गई। हाँ, हाँ, हाँ। और वो जो ट्रेलर है वो उस छोटी गाड़ी के पीछे घुस गया। हाँ। और उस ट्रेलर के पीछे ये 407 घुस गई, 407 के पीछे ये ट्रेलर घुस गया। हाँ। तो इसमें जो सबसे बड़ी, आप अमूमन हम सब लोग देखते हैं कि जो ये बसों वाले ज्यादातर मतलब अपने सवारी के चक्कर में कहीं भी ब्रेक ले लेते हैं और ये अमूमन ये दुर्घटना का कारण बनता है। हाँ, हाँ। तो इसमें सबसे ज्यादा मैं जो ये बसों वाले उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि भाई जो गाड़ी को आप एकदम रोके तो पीछे की जो सारी सिचुएशन देख के ही आप रोके ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो देखिए, इस पूरी दुर्घटना का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक प्राइवेट बस एकदम से दौड़ रही थी सरपट और इन सभी गाड़ियों को ओवरटेक करके, मैं आपको एक बार बता दें हादसा हुआ कैसे था, इन सभी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे निकली ही थी प्राइवेट बस और उसको कोई सवारी मिल गई और एकदम से प्राइवेट बस ने बस सवारी को देखते ही रोक दी। और बस रोकते ही हम आपको बताना चाहते हैं, वो उधर जो एक बार आप जूम करके थोड़ा बता दें, उधर एक कार पड़ी है, वो कार और जो आगे जो ट्रेलर पड़ा है, वो ट्रेलर जो है वो कार उस प्राइवेट बस में घुसी थी, उसके बाद में वो ट्रेलर इस कार में घुसा था और फिर ये जो मिनी ट्रक है ये इस कार में घुसा था और मिनी ट्रक के पीछे ये ट्रेलर है जो इसमें घुसी थी। हम आपको ये भी बता दें, ये भी शीशे से भरा हुआ है और इस मिनी ट्रक की कंडीशन देख के एक बार हम आपको बता दें, जो इस ट्रक की कंडीशन, इस ट्रक का ड्राइवर शायद कूदा होगा बाबू जी। नहीं नहीं, वो साइड में थोड़ा सा हल्का सा बच गया है। हाँ, ठीक है, बता रहे हैं लगी उसके चोट है। नहीं, ये जैसे स्टीयरिंग एकदम आप देख सकते हो, हम आपको बताते हैं ये एकदम स्टीयरिंग जो है वो एकदम, अगर ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा रहता तो शायद ही बचता, नहीं मुश्किल था, वो बच गया साइड से पेस में, उसको हल्का सा अंदर ही था वो गाड़ी में, अंदर ही था। तो देखिए, वो ड्राइवर था जो अंदर ही था और साइड की तरफ खिसक गया, आप स्टीयरिंग देख सकते हो, स्टीयरिंग एकदम सीट से चिपक चुकी है और अगर ड्राइवर अपनी सीट पर ही बैठा रहता तो आज ड्राइवर शायद ही बच पाता। हालांकि ड्राइवर इंजर्ड है, ड्राइवर को चोट लगी है, चार पांच जने मेड़ता सिटी अस्पताल में रेफर यहाँ से भेजे गए हैं इलाज के लिए। तो इस तरह से ये जो पूरा हादसा हुआ है, हमने आपको हादसे के बारे में बताया। हमारे साथ इस वक्त रैन चौकी प्रभारी दूधाराम जी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहते हैं ये पूरी दुर्घटना जो है किस तरह से हुई थी। दुर्घटना ओवरटेक करने से तीन चार गाड़ी एक साथ में थी। हाँ। तो चार गाड़ियां एक साथ में एक्सीडेंट हुई जो मौके पर पड़ी है। हाँ। कोई कैजुअलिटी वगैरह हुई है इसमें या फिर घायल इंजर्ड वगैरह हुए हैं? नहीं, कुछ घायल हुए, उनको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं मेड़ता सिटी। हाँ। और अभी पुलिस मौके पर है, वाहनों को साइड में करवाया जा। हाँ। ये मेड़ता सिटी थाना अलका क्षेत्र का है। हाँ। जैसे रेंट से इतला मिली पहुंचे। हाँ। तो मेड़ता थाने पर इतला दे दिए और घायलों को मेरे पहुंचने से पहले ही रवाना करवा दिया मेड़ता अस्पताल में। हाँ, मेड़ता सिटी अस्पताल और यातायात खुलवा दिया जो सुचारू। ठीक, यह देखिए, यह वरना गाड़ी है, आगे चल रही प्राइवेट बस के अंदर यह वरना गाड़ी घुसी थी। ये गाड़ी आगे और पीछे दोनों तरफ से डैमेज हुई है। दरअसल यह वरना गाड़ी बस, जो प्राइवेट बस चल रही थी, उसने आगे से एकदम ब्रेक लगा दिए थे। ब्रेक लगाने के बाद वरना गाड़ी बस में घुस गई थी और बस में घुसने के बाद ये आगे से इस तरह से डैमेज हुई है और पीछे एक ट्रेलर आ रहा था और ट्रेलर जो है वरना गाड़ी के पीछे घुसा था। तो ये गाड़ी दोनों तरफ से डैमेज हुई है और वो जो उधर ट्रेलर खड़ा है आपको दिखाई दे रहा है, वो ट्रेलर पीछे से इस गाड़ी में घुसा था क्योंकि कंटिन्यू ब्रेक लगे थे। और फिर उस ट्रेलर के अंदर हम आपको बता दें, वो जो आगे मिनी ट्रक खड़ी है वो मिनी ट्रक घुसी थी
और उस मिनी ट्रक में पीछे जो ट्रेलर खड़ा है वो ट्रेलर घुसा था। तो इस तरह से एक के बाद एक पांच गाड़ियां एक दूसरे में घुसी है और वो सिर्फ एक बस की गलती से, बस ने आगे चलते हुए एकदम से ब्रेक लगा दिए थे। तो इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है।